इंद्रगढ़ नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते आंगनबाड़ी में आने वाले दूषित पानी पीने को मजबूर। इंद्रगढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 पुलिस थाने के सामने स्थित बालाजी मंदिर परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में नगर पालिका द्वारा पानी की टंकी लगाने के बाद पालिका प्रशासन भूल गया। पानी की टंकी में ढक्कन नहीं होने से आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बालाजी परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को मजबूर होकर दूषित पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इनसे बेखबर नजर आ रहा है। जबकि वार्ड पार्षद पूरनमल आर्य ने पालिका प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन पालिका प्रशासन की बेरुखी के चलते आज तक भी पानी की टंकी में ढक्कन नहीं लग पाया, जिसके चलते आने वाले लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। पानी की टंकी के चारों ओर बम्बूल होने से टंकी के अंदर कीड़े मकोड़े जीव जंतु आने की आशंका बनी हुई है। मजबूर होकर यहाँ आने वाले लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जबकि टंकी की सफाई व ढक्कन लगवाने के लिए कई बार पालिका प्रशासन को पार्षद पूरणमल आर्य ने अवगत करवा दिया, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। जो ये आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ समस्या ये है कि पालिका की तरफ से एक PhD लगी हुई है यहाँ पर बोरिंग, जो करीब बोरिंग आज के 5-7 साल पहले से लगी हुई है। यहाँ पर पानी की टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी नगर पालिका ने इस प्रशासन जो अभी बोर्ड है इस समय पर एक टंकी रखी हुई थी यहाँ पानी के लिए, वो भी बिना ढक्कन की है। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे जो टंकी रख रखी है वो बिना ढक्कन के है? बिना ढक्कन की है। जो यहाँ आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे दूषित पानी पीने को उसी पानी पीते हैं, मंदिर पे जो भी आते हैं हाथ पैर सब उसी धोए जगह नहीं करते। एक बार में 50 बार कह चुका, नरेगा का सरकार की तरफ से निर्माण चल रहा है, नरेगे का काम चल रहा है, उस कचरा साफ करने के लिए बम्बूल काटने के लिए एक बार ने 50 बार बोल दिया, किसी चीज़ का कोई सुनवाई नहीं है। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि पालिका प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि कई बार पालिका प्रशासन अधिकारी चेयरमैन को अवगत करवा दिया, हाँ उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। नरेगा वालों को भी पकड़ के लिए आए भाई कई बार यहाँ, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया। कचरा जो अभी है मौजूद है सामने, आप वीडियो बनाकर सामने डाल दो, जो कचरा जो पड़ा है पोजिशन वही है। आपका आरोप है कि प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी से बच्चे दूषित पानी पीने को मजबूर है? पानी पीने को मजबूर है, पानी पीते उसमें जानवर कीड़े काटा कोई भी गिर सकता है टंकी के अंदर। पीछे काफी बम्बूल है, बम्बूल है पीछे कब्रिस्तान का बाउंड्री के अंदर पूरा बम्बूल आ रहे हैं। मंदिर है वहाँ पर लोग आते हैं, मंदिर में बाबा भगवान को बजरंग बली का दर्शन भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई किसी तरह का ध्यान नहीं है। तो आगे आपकी क्या मांग है? आगे मांग ये है, एक तो यह पूरी सफाई होना चाहिए, टंकी यहाँ चेंज हो, नल फिटिंग टूट रहे हैं और पूरे बम्बूल इसके कब्रिस्तान के बम्बूल बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, कई बार कह चुका है इनसे। तो आपकी मांग है कि इस पर एक तो टंकी पे ढक्कन लगवाया जाए, बाकी इस जगह पर, बाकी यहाँ पर बालाजी का स्थान पर सरकारी सामुदायिक भवन है, यहाँ पर लोग प्रोग्राम करते हैं, नगर पालिका द्वारा 700 रुपये रसीद करती है, लेकिन सुविधा यहाँ पर कोई किसी की तरह नहीं है। एक बार नहीं, मैंने कितनी एप्लीकेशन लगा दी कि यहाँ पर लेडीज़ों के लिए शौचालय बनाना चाहिए, कितनी बार लिख लिख के दे दी, लेकिन कोई किसी तरह का ध्यान नहीं है।